चलो इस महीने का बजट तो बन गया और नेक्स्ट मंथ तो मेरी कार की ईएमआई भी खत्म होने वाली है। यस, और अब मैं क्या करूंगी कि कोई और चीज खरीद लूंगी और उसकी ईएमआई हो जाएगी। यस, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी एक चीज की ईएमआई खत्म होने वाली है तो क्यों ना हम नेक्स्ट मंथ कोई दूसरी चीज ईएमआई में खरीद लें और वापस से उस ईएमआई में बंध जाए। होता है ना कई बार कि हमारी किसी भी चीज की जो है ईएमआई खत्म होने वाली होती है और हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि अब हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे और उसकी ईएमआई हो जाएगी। तो चलिए इसी सिलसिले में बैठ कर बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब टाइटल देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि बात तो हो रही थी बचत की और ये बीच में ईएमआई कहाँ से आ गई। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। ये भी एक तरीका है, बचत का ही एक तरीका जो है ना वो बताने वाली हूँ। होता है ना, हम में से बहुत से लोग हैं और अधिकतर हम सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ ना ईएमआई में लेते ही हैं और जब वो ईएमआई ख़त्म होने वाली होती है तो हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि अब हम ये खरीद लेंगे, अब हम वो खरीद लेंगे और उस ईएमआई में हम दोबारा दूसरी ईएमआई में बंध जाते हैं। या फिर जब हम अगर कोई चीज़ ना भी खरीदें तो क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार नेक्स्ट मंथ तो ये ईएमआई ख़त्म होने वाली है, अब हम खुले हाथ से ना रह सकते हैं, मंथली जो हमारा बजट है वो खुले हाथ से हम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं तब तो हम उस ईएमआई में, अगली ईएमआई में बन जाते हैं और नहीं खरीदते हैं तो वो पैसा ऐसे ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। हम सोचते हैं खुले हाथ से लेकिन कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो जाता है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए हमें, और जो कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मैंने किया, वही आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब भी आपकी ईएमआई ख़त्म होने वाली हो तो आप उस ईएमआई को बंद मत कीजिए, चलते रहने दीजिए और अपनी बचत कीजिए। अब आप सोचेंगे कि ईएमआई बंद होने वाली है, ख़त्म होने वाली, तो हम क्यों पे करें, हम कैसे बचत करेंगे, ऐसे पे करते हुए हम कैसे बचत करेंगे, हम फालतू में ही किसी को क्यों दे देंगे ईएमआई, है ना? ऐसा नहीं है। अगर आपकी ईएमआई अगर ख़त्म होने वाली है तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा जो मंथली बजट होता है, अगर हमने कोई गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, उसकी ईएमआई में अगर हमने खरीदा है, हम सभी लोग ईएमआई में कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं, ठीक है, खरीदा है और उसकी लास्ट ईएमआई है, ईएमआई ख़त्म होने वाली है या कई लोगों की ख़त्म हो चुकी है, तो देखिए मंथली बजट में हम आदि तो हो ही चुके हैं उस ईएमआई के, हम आदि नहीं हो गए कि भाई हम इतने हज़ार पे करते थे तो हमारे बजट में साथ में चल रहा है, हम उसके आदि हो गए हैं कि हाँ हमें इतनी ईएमआई पे करनी है, पे करनी ही करनी है। तो ऐसे में क्या करें कि जब आपकी ईएमआई ख़त्म होने वाली हो तो आप क्या कीजिए, उसको, उस पैसे को ऐसे ही मत छोड़िए, ना ही तो जब तक कोई चीज़ मत खरीदिए जब तक कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, और उस पैसे को ऐसे ही मत रखिए, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए ईएमआई वाले को, क्योंकि हम उस चीज़ के आदि हैं। देखो कि हमने माना कि 4000 की हमारी किसी चीज़ में ईएमआई जा रही है, अब मंथली डेली जा रही है, सालों से जा रही है या महीनों से जा रही है, तो हम उस चीज़ के आदि हो चुके हैं, हमारे बजट में से वो 4000 निकलते ही निकलते हैं। तो अब क्या करना है, जब अगर वो ख़त्म होने वाली हो तो आपको वो 4000 इन्वेस्ट कर देने हैं, तो आपकी जो है वो बचत हो जाएगी। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले यही किया, जो भी आपके ईएमआई बंधी हुई है ना उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, एफडी करा दीजिए, आरडी करा दीजिए, एलआईसी करा लीजिए, पीपीएफ करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन उस ईएमआई को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो जो ईएमआई है ना, आप उस ईएमआई से आपकी बचत जो है ना वो हो जाएगी, क्योंकि हम उस चीज़ के आदि हैं। मैंने भी अभी यही किया। अब मैं भी मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बात ये समझ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इस साल जो है मेरी गाड़ी की जो है ना हमारी ईएमआई ख़त्म होने वाली थी फरवरी में, 5 साल हो जा रहे थे तो ख़त्म होने वाली थी 4200 के करीब, ठीक है। अब मैंने पहले तो सोचा था कि मैं
कुछ और चीज़, अब इस ईएमआई ये ख़त्म होने वाली है इस साल पे, इस महीने पे, तो हम कुछ और खरीदेंगे या कुछ एक बड़ा डिसीजन लेंगे। लेकिन इसी बीच जो है हमारे साथ फैमिली में एक हादसा हो गया, उसकी वजह से पूरा माइंड ही मेरा पलट गया और मेरी कोई भी चीज़ करने की इच्छा नहीं रही। तो और मैं अंदर से डर भी गई कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, तो ज़रूरत के हिसाब से जीना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब मेरी गाड़ी की हमारी गाड़ी की ईएमआई जो है ख़त्म हुई, तो उस पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया आधा आधा करके। गाड़ी की ईएमआई थी 4,200 के करीब, तो 2100 करके मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। मैंने अकाउंट में भी नहीं रखा, ना ही ये सोचा कि अब खुले हाथ से मेरा मंथली बजट में ये 4,200 भी और जुड़ जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा। क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचती तो वो जो खर्चा हो रहा था उसके बावजूद ये 4,200 भी कहीं ना कहीं निकल जाते और मेरी बचत नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि हमारी जो है LIC हमने करवा ली, प्लस PPF में अकाउंट खुलवा लिया, तो पोस्ट ऑफिस में। तो PPF और LIC में हमने उस EMI को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारी बचत हो गई। कि 4,200 तो चलता ही आ रहा था, हम उसके 5 साल से आदी थे कि 4,200 निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है सैलरी में से। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो वो 4,000 भी ऐसे ही खुले खर्चों में चला जाता। लेकिन अब जबकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो एक मेरी एक तरीके से बचत हुई ना, तो हम इस तरीके से भी बचत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कही गई बात जो है वो समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आप लोगों तक क्या पहुँचाना चाह रही हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। ऐसी ही बहुत सी वीडियोज़ और लेके आऊँगी, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने जो आप लोगों से बोला था कि मैं बचत की छोटी छोटी कुछ वीडियोज़ जो है ना बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमें पता होता है कि हमें कैसे बचत करनी होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं, या चलो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन अगर किसी को देखकर सुनकर हम बचत कर सकते हैं, वही बातों को दोहरा कर हमारे माइंड में वापस से बचत का कुछ आ जाए, तो क्या बुरी बात है। इसीलिए कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे टिप्स आप लोगों को पता होंगे, लेकिन पता होने के बाद भी आप अपनी बचत नहीं कर रहे होंगे, तो उन्हीं को वापस से याद दिलाने के लिए मैं बार बार आती रहूंगी। और इसीलिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहना, जुड़े रहना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बचत की वीडियो में, ब्लॉग्स की वीडियो में, और भी कई तरीके की वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।